हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी मीट्स एसी एट डी। जो ये बीडी है वो एंगल बी का बाइसेक्टर है, ये दिया हुआ है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी मीट्स एसी एट डी। अ लाइन पी क्यू पैरेलल एसी, एक लाइन है पी क्यू, ये एसी के पैरेलल है। मीट्स ए बी बी सी एंड बी डी एट पी क्यू आर, ये पी क्यू आर पे ये तीनों जगह मिल रहा है। शो डेट, हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है, पी आर इंटू बी क्यू इक्वल टू क्यू आर इंटू बी पी। पी आर इंटू बी क्यू, पी आर कहाँ है, ये हो गया पी आर इंटू बी क्यू इक्वल टू क्यू आर इंटू बी पी, ये प्रूफ करना। ये तो ओरली एक लाइन में ही प्रूफ हो रहा है डायरेक्टली। इस ट्रायंगल में हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे, चाहे इस ट्रायंगल में चाहे एंगल बाइसेक्टर। इस ट्रायंगल के लिए भी ये जो लाइन है बी आर वो इसका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। लिखते हैं इसको, हम जो गिवन इंफॉर्मेशन दिया हुआ था वो हमने लिख लिया। यहाँ पे बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, और यहाँ पे नंबरिंग कर दिया एंगल 1 2। बी डी इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 और 2 आपस में बराबर हो गया। ये दिया हुआ है पी क्यू पैरेलल एसी, और ये प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ करते हैं इसको। इन ट्रायंगल पी बी क्यू, इन ट्रायंगल पी बी क्यू, ट्रायंगल पी बी क्यू के अंदर बी आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहां पे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से पी आर बाई आर क्यू इक्वल टू बी पी बाई बी क्यू, ठीक है। ये हो गया बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो बस इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो प्रूव करना था वो हमें आ जाएगा। ये पी आर अपने प्लेस पे है इनटू बी क्यू, ये बी क्यू इधर आ गया इक्वल टू बी पी इनटू ये आर क्यू इधर चला जाएगा, ये हो गया क्यू आर इनटू बी पी लिखा हुआ है। क्यू आर हम पहले लिख लेंगे, और ये क्या है बी पी लिखा हुआ है। क्यू आर को पलट के यहाँ पे आर क्यू को पलट के क्यू आर लिख लेंगे, इनटू बी पी को बाद में लिख देंगे, पी आर इनटू बी क्यू, ठीक है। तो जो प्रूफ करने बोला था वो प्रूफ हो गया। अब यहां पे ये जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन, इसका कोई यूज नहीं हुआ इस केस में, ये इंफॉर्मेशन का कोई यूज ही नहीं है, ठीक। कंप्लीट।